हेलो फ्रेंड्स, कुमुदिनी की वेज रेसिपी में आपका स्वागत है। ऐसी टेस्टी मज़ेदार रेसिपी देखकर आपके मुंह में पानी आ गया होगा, जो देखने में सुंदर और खाने में बहुत ही लाजवाब है। टेस्टी इतना है, खस्ता भी है और बनाने में बहुत ही आसान रेसिपी है। फ्रेंड्स, मैं सच बता रही हूँ, आलू और गेहूँ के आटे का ये नाश्ता बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी है। तो आइए इस रेसिपी को बनाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे गुथा हुआ आटा था, जब सुबह मैंने बनाया था रोटी तो ज़्यादा हो गया तो मैंने रख दिया था। तो फ्रेंड्स, आटे को एक बर्तन में निकाल लेंगे। थोड़ा गर्मी के दिन की वजह से आटा गीला हो जाता है, तो देखिए अपने आप गीला हो चुका है। अब इसमें हम 2 चम्मच सूजी डालेंगे, ये मोटी वाली सूजी है। आपके घर में जो भी सूजी हो, बारीक या मोटी दोनों ही चलेगी। और 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच से भी कम, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। और इस आटे को हम गूंदेंगे और इसमें थोड़ा 1 चम्मच तेल डालेंगे। जिन लोगों के आटे में पहले से ही तेल और नमक रहता है वो लोग स्किप कर दीजिए, और जिनके आटे में तेल नमक नहीं रहता है वो लोग ऐड कर दीजिए। फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच तेल डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लोग भी चैनल पे पहली बार हैं, नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कहाँ से आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं मुझे बताइए। आपके घर में गूंथा हुआ आटा बचता है तो आप क्या करते हैं? देखिए, शाम का ये नाश्ता बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने ये पूरा उसके अंदर सूजी यानी रवा मिला दिया है, देख रहे हैं आसानी से ये मिल रहा है, क्योंकि आटे में जो अजवाइन, नमक, तेल वो सब मिल जा रहा है। और इस तरह से मिलाकर हम उसको अच्छे से गूंथ लेंगे ताकि जो सूजी है हमारी पूरे आटे में मिल जाए। फ्रेंड्स, तो एकदम आसान है ना आटा गूंथना। और सिर्फ इसमें एक तैयारी मैंने पहले से करके रखी थी, वो था आलू उबालकर। बाकी और कोई भी तैयारी मैंने पहले से कर नहीं रखी है। तो आटा हमारा गूंथ गया है, देख लीजिए अच्छे से गूंथ गया है एकदम। तो इसको फ्रेंड्स हम रख देंगे ताकि सूजी भी हमारी फूल जाए। ये छोटे छोटे 4 आलू हैं, मीडियम आकार के आलू लेंगे तो 2 और बड़े लेंगे तो 1। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आलू को छील रही हूँ। सभी आलूओं को हम छील लेंगे फ्रेंड्स। और आलू या तो आप पहले से उबाल के रख लीजिए, या फिर आप दाल बनाते हैं तो आलू को धोकर दाल में डाल दीजिए, आपका आलू उबल जाएगा। आलू उबालना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। और आलू रहेगा उबला हुआ तो कभी भी हम कोई भी रेसिपी बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हमारे आलू छिला गए हैं और मैं इस तरीके से मैश कर रही हूँ, मिला रही हूँ। फटाफट से ये मिल जाते हैं, देखिए हल्के से ये आलू अभी गर्म है, मैंने दाल बनाते समय ही इसको उबाल लिया था। तो देखिए ये हमारा आलू अच्छे से ये मैश हो गया है। अगर ये कड़क रहता तो इसको कद्दूकस से कस कर लेती, लेकिन ये अच्छे से मैश हो गया है। ये कुछ कड़ी पत्ती है जिसको मैंने धो लिया है, और इसको इस तरीके से बारीक बारीक हम काट लेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से एकदम छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। एक मिर्ची ले ली है हरी वाली, उसको भी मैं इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ। जितना आपको तीखा पसंद है वो हिसाब से इसमें आप और तीखा कर सकते हैं। तो मैं एक छोटी मिर्ची और ले रही हूँ, क्योंकि आजकल की मिर्ची तीखा नहीं आ रही है फ्रेंड्स। तो मैंने एक छोटी मिर्ची ली, इसको भी क्रश कर लिया। और लहसुन की 2 कलियाँ ली हैं, उसको भी मैं क्रश कर रही हूँ आपके सामने। ये देखिए, आप चाहे तो इसको कुट्टी में कूट सकती है या फिर मिक्सर में घुमा सकती है। अदरक लहसुन का पेस्ट बना सकती है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक लिया है, क्योंकि अदरक का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो इसके अंदर मैं अदरक इस तरह से क्रश करके डाल रही हूँ। अदरक को हमेशा क्रश या फिर बारीक चॉप करके ही डालिए फ्रेंड्स, तभी उसका स्वाद आता है। और थोड़ी सी ये लाल मिर्च पाउडर है, और इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी है, लगभग 2 चुटकी। आमचूर पाउडर है इसके अंदर 1/2 चम्मच। 1/2 चम्मच अजवाइन है, 1/2 चम्मच इसके अंदर नमक है स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी ये हरी धनिया है। आप चाहें
तो इसके ये सब तैयारियां पहले से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी में भी बहुत आराम से चटपटा नाश्ता बन सकता है। जितना समय मैंने बताया है 10 से 15 मिनट बहुत है फ्रेंड्स। आटा आपका गूंधा हुआ था और आलू उबला हुआ था, बस इतनी ही तैयारी। जैसे ही ये हमारा अच्छे से मिक्सर बन जाए, आलू का मसाला बन जाए, ऐसे ही हम तेल को साथ में गर्म होने के लिए रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये रख दिया है और हमारा ये आटा भी अच्छे से सूजी इसकी फूल गई है और हमारा डो हल्का सा कड़क हो गया है जो बहुत गीला था। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको और हम इस तरीके से जोर लगा लेंगे ताकि अच्छे से और इसमें मिल जाए हमारी सूजी। तो देखिए यहाँ पे छोटी छोटी में 6-7 लोई जितनी भी बन रही है उतना बना के ले रही हूँ और एक बर्तन में इस तरह से रख देंगे। लोई को लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम आटा लगा देंगे। आटा लगा के बेल लेंगे पूरी से थोड़ी सी बड़ी और रोटी से थोड़ी सी छोटी, ऐसे ही बेलना है फ्रेंड्स, पूरी से बड़ी और रोटी से छोटी। अब हम चाकू ले लेंगे और इस तरीके से कट कर लेंगे जैसे मैं कट का निशान लगा रही हूँ। बहुत ही आसान और खाने में क्रंची कुरकुरा है, क्योंकि जो इसकी मैंने कटिंग लगाई है ना फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अभी हम आलू का चोखा ले लेंगे और इस तरह से लंबा सेप करके रख देंगे और एक बार पूरा ही घुमा लेंगे फ्रेंड्स, जैसे मैं घुमा रही हूँ। उसके बाद ये इधर का भाग इस तरह से मोड़ देंगे दोनों तरफ से जो दिख रहा है आपको, और ये इस तरीके से गोल राउंड करते जाएंगे तो हमारा सेब जो है ना बनते जाएगा। तो मेरी गारंटी है कि आप ये आटे की रेसिपी इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको समोसा कचौड़ी अच्छी ही नहीं लगेगी, इतनी टेस्टी ये रेसिपी लगेगी फ्रेंड्स। तो देखिए फिर से मैंने दूसरा लोई ले लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर ये रेसिपी मेरे बोलने से आप बनाकर देखिए, क्योंकि सभी लोग के घर में रोटी बनाते समय आटा तो ज़्यादा हो ही जाता है, बहुत कम समय रहता है कि नहीं होता है। तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए शाम के समय, या फिर आपका ये आटा बचा है तो आप सुबह में भी रात को आलू उबाल के रख सकते हैं और फटाफट सुबह में नाश्ते में भी ये बच्चा बनाकर बच्चों को दे सकते हैं टिफिन में, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से कटिंग का निशान लगा लेना है आधी रोटी में, और आधी रोटी में इस तरीके से ये जो आलू का चोखा है लंबा सेप करते हुए रख देना है। देख रहे हैं आप, बस इसी तरीके से राउंड कर लेना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह से राउंड करते हुए दोनों सेप को इस तरीके से, पानी नहीं लगाया है मैंने, आप देख लीजिए, बस इस तरह से राउंड कर लेंगे। ये हमारा सेब तैयार है, देख लीजिए। इसी तरह सभी को हम बना लेंगे फ्रेंड्स, और मीडियम फ्लेम पे ये रेसिपी तलेंगे, फास्ट गैस पे नहीं तलना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो देखिए मैंने एक एक करके सब तेल में डाल दिया है, और अब जब 1 मिनट हो गया है तो इस तरीके से देखिए इसका कलर हो चुका है, क्योंकि ये गेहूं का आटा है तो पलट दिया मैंने। और देखिए ये 2 मिनट में ही किस तरह से क्रंची कुरकुरा बनकर रेडी हो चुका है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें सूजी डाला है ना, इसलिए इसका कुरकुरापन बढ़ गया है। तो देखने में है ना लाजवाब, मैंने गर्मा गर्म परोस दिया है, और देख लीजिए फ्रेंड्स आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। बनाना बहुत ही आसान है ना, तो आप कब बनाने वाले हैं मुझे कमेंट कीजिए। आप चाहे तो तेल में ना तल कर एयर फ्राई में इसको फ्राई कर लीजिए, खाने में बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट है। मेरे बोलने से ये रेसिपी बनाकर देखिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।